तो सबसे बड़ी मिथ जो एट प्रेजेंट है कि नेचुरल स्किन केयर इज द बेस्ट ऐसा बिल्कुल जरूर है बात करें हमारे स्किन की रूटीन की तो सबसे पहले तीन बेसिक स्टेप्स होने चाहिए एक स्किन के लिए क्या रेड फ्लैग्स हैं? तो सबसे पहला रेड फ्लैग क्या आप लोग भी पिंपल्स से परेशान हो क्या आपको भी पिंपल्स के मार्क्स और स्कार रह गए हैं तो so, ये जो स्टॉक आपके लिए है नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर चीफ एट इक्सना वेलनेस एंड आज मैं आपको स्किन केयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स बताने वाली हूँ तो so, आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे कि एक्टर्स को क्यों नहीं होते वेल well, ऐसी बात नहीं है एक्टर्स को डेफिनेटली होते हैं बट क्योंकि उनकी स्किन और बॉडी की केयर करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो अर्ली स्टेजेस से वो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज करने लग जाते हैं डिस्पाइट ऑफ दैट ऐसा नहीं है कि उन्हें पिम्पल्स होते ही नहीं है आपने देखा होगा आ, समीर रेड्डी को आपने देखा होगा मसाबा गुप्ता को उन्हें एक्ने भी हुए हैं उनके एक्ने स्कार्स भी हैं जो वो बो बहुत बोल्डली फ्लॉन्ट करते हैं सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि एक्ने स्टार्स को नहीं होते और सिर्फ हमें ही होते हैं आजकल शहरों में मैक्सिमम पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल जो कि कार का जो फ्यूल होता है उसके बर्न होने से होता है विच इज़ स्मोक सूट कार्बन मोनोक्साइड इन सब चीज़ों की वजह से हमारी स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से प्री एजिंग जल्दी पड़ना, चेहरे पे काले काले छोटे छोटे धब्बे की बीमारी है उन्हें भी, भी पॉल्यूशन से काफी दिक्कत होती है एक्ने खुद में तो एक प्रॉब्लम है ही उसके बाद वो स्कार्स और मार्क्स भी छोड़ जाता है अब स्कार्स और मार्क्स को दोनों डिफरेंट तरीके से हम ट्रीट करते हैं मार्क्स जो होते हैं वो एक तरह से मेलिनेट स्पॉट होता है सो एसिड 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 कोजिक ये काफ़ी अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट्स में केमिकल पील्स में यूज करके हम एक्ने मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें स्कार्स की तो स्कार्स में टिश्यू डैमेज होता है टिश्यू रीजनरेशन के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसीजर डेफिनेटली ऑप्ट करना ही पड़ेगा अगर आप एट प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं कोई प्रोसीजर तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है रेटेनॉइड जिसे आप यूज कर सकते हैं आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा और अगर आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग है तो इस मॉलिक्यूल से दूर रहें पीसीओ कंडीशन में आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं फीमेल्स में मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजेंस होते हैं टेस्टोस्टेरोन होता है वो कुछ मात्रा में बढ़ जाता है उसकी वजह से आपके ऑयल ग्लैंस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं जिसकी वजह से पिम्पल्स होते हैं साथ ही साथ मेल पैटर्न में हेयर का आना काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है साइड बर्न्स मुस्टैश बियर्ड इवन बॉडी हेयर एक मेल पैटर्न में आने लगते हैं जिसे हर्सुटिज्म बोलते हैं तीसरा पीसीओएस में आपका जो हेयर फॉल है वो भी एक तरह से पैटर्न हेयर लॉस जिसमें बीच की मांग का चौड़ा होना काफी कॉमनली देखा जाता है मोस्ट कॉमनली जब मेरे पास पीसीओएस के क्लाइंट्स आते हैं उनमें एक्ने जिसका मतलब कि उन्हें टीन एज में तो एक्ने थे ही लेकिन 30-35 की एज तक भी वो एक्ने चले जा रहे हैं ये काफी कॉमनली देखा जाता है उसके साथ साथ हेयर फॉल जो है

उनके प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा फर्मेंटेड एसिड्स का यूज होता है जो कि हमारी इंडियन स्किन के लिए सही नहीं होता और पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है सो सेकेंड मिथ कोरियन स्किन केयर इज द बेस्ट इज ऑल्सो नॉट ट्रू थर्ड एंड इज कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा मैं ये बोलती हूँ और काफी बैकलैश भी मुझे मिलता है हेयर ऑयल से हेयर ग्रोथ नहीं होती बहुत सारी स्टडीज अब हो चुकी हैं और ये पाया गया है कि हेयर ऑयलिंग का हेयर ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है कोकोनट ऑयल कैस्टर ऑयल मस्टर्ड ऑयल किसी भी ऑयल को आप ले लीजिए मसाजिंग आपके स्कैल्प फॉलिकल्स को डेफिनेटली स्टिमुलेट करती है ब्लड फ्लो बढ़ाती है बट ऑयल का यूज होना या ना होना उसमें कोई एक्स्ट्रा रोल उसका नहीं रहता फोर्थ मिथ जो काफ़ी डेंजरस लगती है सुनने में कि सनस्क्रीन से कैंसर होता एब्सोलूटली नहीं अगर सनस्क्रीन से कैंसर होता तो आपके आसपास इतने सारे डॉक्टर्स इसे प्रमोट नहीं कर रहे होते इसे एडवाइस नहीं कर रहे होते एक और स्किन के मिथ है कि शेविंग करने से आपके बालों की ग्रोथ थिक हो जाती है फास्टर हो जाती है तो ऐसा नहीं होता अगर ये रियलिटी होती तो जो लोग भी बॉल्डिंग और हेयर थिनिंग से डील कर रहे हैं डेफिनेटली वो शेव करते और उनके बाल थिक और घने हो जाते तो ऐसा नहीं होता आपकी हेयर की ग्रोथ उसकी स्पीड उसकी थिकनेस आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है और हार्मोनल इम्बेलेंस पे डिपेंड करती है सो so, जब भी आप शेव करते हैं बिकॉज आप सरफेस लेवल से बाल को काट रहे हो तो वो जब ग्रो वापस करने लगता है इट इज फ्रॉम मिड शाफ्ट सो वो अपेरेंटली थिक दिखता है बट ऐसा होता नहीं है अगर बात करें हमारी स्किन की रूटीन की तो सबसे पहले तीन बेसिक स्टेप्स होने चाहिए एक क्लेंजर एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन और वही सेम क्लेंजर मॉइस्चराइजर आप अपने रात के रूटीन में यूज कर सकते हो गो फॉर वेरी बेसिक ब्रांड्स आई रूली प्रेफर सेटोफिल सेरावी

एंड ग्लाइकोलिक एसिड इन सो ये आ जाते हैं स्टेप टू स्टेप थ्री और भी ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारे आ जाते हैं जैसे कि पेप्टाइड्स जो थोड़े एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी लेटर स्टेजेस पे होती है सो so, अगर हम बात करें एक बेसिक रूटीन की जस्ट फिगर आउट वन गुड क्लेंजर दैट क्लेंज यूर फेस विदाउट लिविंग इट ड्राई वन गुड मॉइस्चराइजर दैट हाइड्रेट्स यूर स्किन विदाउट ब्लॉकिंग इट पोर्स एंड वन गुड सनस्क्रीन दैट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यू वी ए प्रोटेक्शन पी ए थ्री प्लस एस पी एफ एटलीस्ट थर्टी एंड इज नॉन कमेडोजनिक हमने देखा है कि आजकल लोग गूगल पर सर्च करके होम रेमेडीज ढूंढते हैं होम रेमेडीज़ फॉर एक्ने और उसमें काफ़ी कॉमनली एक रेमेडी आती है नीम के पत्ते क्रश करके फेस पे लगाने की एंड आई हैव सीन टेरेबल रिएक्शन विद डैट ऐसा रिएक्शन कि ना कि आपका एंकने इतना ज़्यादा फ्लैरअप हो गया था इतनी पिगमेंटेशन भी छूटी थी कि उसे रिवर्स करना ही बहुत मुश्किल हो गया था एक और होम रेमेडी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले कच्चा गार्लिक खाने की अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सम पीपल वर क्लेमिंग दैट इट्स गोना क्लियर योर एक्ने विद इन फाइव टू टेन डेज सो आई विश आई रियली विश कि ऐसी कोई होम रेमेडी होती इतना ईजी और मैजिकल रिस्पॉन्स uh, हमें मिलता बट ऐसा कुछ नहीं होता उसमें भी मैंने देखा है एक दो मेरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई इतनी कि उन्हें इवन हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक पूरे महीने तक कच्चा गार्लिक डेली मॉर्निंग खा लिया था अगर हम बात करें कि हेल्दी स्किन हमें कैसे मिलेगी सो बातें वही बेसिक से आ जाती हैं कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन हेल्दी क्लीन लाइफ फिजिकल एक्टिविटी और साथ में लो स्ट्रेस जब भी मैं बात करती हूँ हेल्दी स्किन के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस की तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 500 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दिन में इतनी कच्ची सब्जियाँ और कच्चे फ्रूट्स खाने की हैबिट डालें है। लो शुगर डाइट की शुगर जो डायरेक्ट शुगर है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर आइसक्रीम्स में या फिर कैंडीज टॉफ़ीज़ में ये एक तरह से वर्स्ट फूड आइटम है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए और स्किन के लिए सो कट डाउन ऑन दैट प्रॉपर प्रोटीन अगर आपका वेट 50 किलो है तो आप 50 ग्राम प्रोटीन एम करें दिन में खाने का और उसके साथ साथ पानी मल्टीपल स्टडीज ने पाया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं तो आपकी स्किन की क्वालिटी आपकी स्किन की एजिंग बहुत बेटर होती है उन लोगों से जो लोग कम पानी पीते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट टू पॉइंट फाइव टू थ्री लीटर इज शुड बी योर रेगुलर वाटर एंड टेक सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन वेन यूर लुकिंग फॉर हेल्दी स्किन थ्रू याइफ स्टाइल चेंजेस इसके अलावा स्मोकिंग इज द वर्स्ट फॉर योर स्किन एंड इवन योर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी बट स्मोकिंग से जल्दी झुरियाँ पड़ना स्पेशली आइज़ के नीचे झुरियाँ पड़ना लिप्स के अराउंड रिंकल्स जाना ओवरऑल स्किन का जो कलर होता है वो काफ़ी डल और ऐशी लगने लगता है जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है उनमें स्मोकिंग से कॉमेडोनल ऐकने ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं साथ साथ बात करें अगर अल्कोहल की तो अल्कोहल का एकदम से कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपको इवन इफ आप क्रॉनिकली अल्कोहल पी रहे होंगे लेकिन जिन लोगों में भी रोजेशिया होता है जिन लोगों को भी जिन लोगों की भी सेंसिटिव स्किन होती है उनमें अल्कोहल काफी आ, उनकी स्किन की कंडीशन को खराब कर सकती है और अगर आपको एक्ने हैं बिकॉज एल्कोहल इज वेरी हाई इन शुगर योर एक्ने माइट ऑल्सोटेड विद दैट अभी बात करते हैं कि स्किन के लिए क्या रेड फ्लैग्स हैं तो सबसे पहला रेड फ्लैग अगर मैं प्रोडक्ट्स में देखूं तो स्टेरॉइड क्रीम कॉमनली आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी आप बोलोगे स्किन लाइटनिंग के लिए क्रीम चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड आपको दे दिया जाएगा वेन एवर यू यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट वन टू टू मंथ सी ब्यूटिफुल रिजल्ट आपकी स्किन ग्लो करेगी लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा अच्छा आज तो मेरी स्किन अच्छी है मैं इसे छोड़ देती हूँ एक दिन भी अगर आप उसे छोड़ेंगे नेक्स्ट डे आपकी स्किन डबल काली हो जाएगी बहुत सेंसिटिव हो जाएगी छोटे छोटे बाल आपको दिखने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं वापस इसी को यूज़ करते हैं और इस तरह से करते करते आपकी स्किन एडिक्ट हो जाएगी स्टेरॉइड्स की एक सेमी परमानेंट से लेकर परमानेंट स्किन डैमेज हो सकता है जिसे हम बोलते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेसेस सो स्टेरॉइड इज अ मेजर मेजर रेड फ्लैग अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की तो लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जैसे मैंने पहले भी बताया झुरियाँ होना आपकी स्किन डार्क पड़ना आपके होठ काले होना कॉमेडॉन्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होना ये सब चीज़ें होती हैं स्मोकिंग से सो तो डेफिनेटली ये एक रेड फ्लैग है और फूड आइटम की बात करें अगर हम तो शुगर के अलावा जिन लोगों को एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें डेयरी भी एक तरह का रेड फ्लैग है आई नो आई नो इंडियंस को डेयरी बहुत पसंद है लेकिन अगर आपको हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं अडल्ट हुड में भी एक्ने हैं सो स्किम्ड टोन्ड और फैट फ्री मलाई उतरा हुआ दूध जो है वो भी आपके स्किन के लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है अब बात करते हैं कि अगर हमें मेकअप करना है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं मेकअप इतना बुरा नहीं है सच में लेकिन आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए अपनी स्किन के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो ऐसे प्राइमर्स अवॉइड करें जो कि आपके पोर्स को बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं प्राइमर्स का एम होता है एक स्मूथ सर्फेस देना लेकिन उस प्रोसेस में अगर वो आपके पोर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक कर देंगे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप एक्ने डेवलप कर सकते हो उसके अलावा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लुक फॉर प्रोडक्ट्स जिनमें लेबलिंग होती है हाइपो एलर्जेनिक की क्रायोलैन और क्लिनिक ये डर्मा बेस्ड मेकअप ब्रांड्स हैं जिन्हें आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं इसके अलावा आपने सुना होगा कि डू नॉट स्लीप विद योर मेकअप ऑन नाउ हाउ डज मेकअप गेट टू नो दैट यू आर स्लीपिंग Basically, the idea is that do not wear your makeup for long hours and do not make it a regular habit. I bought tinted sunscreen, tinted BB cream, but do not get into a habit of wearing makeup for long hours. If you're wearing it uh, for a special occasion, always double cleanse. Use an oil-based cleanser to emulsify it and then go for your gentle cleansers, something like Episoft or Cetaphil. One very important trees in makeup, may never share your makeup brushes if you can see that okay, somebody has a skin issue and that can be transferred. And your lipstick and lip gloss because there's a virus, herpes labialis, also known as cold sores, you can transmit it. and uh, this virus actually never leaves your body. So be very mindful when you're sharing makeup. Always avoid using somebody else's lip gloss and lipsticks. Skin rejuvenation की अगर हम बात करें तो word rejuvenate basically ये mean करता है कि आपकी skin glowing और अच्छी healthy कैसे रह सकती है इसके लिए एक basic cycle है आपकी skin में एक cycle होता है turnover ओवर होता है नीचे बेजल सेल्स होते हैं ऊपर डेड सेल्स होते हैं और ऊपर वाले सेल्स शेड होते रहते हैं अपनी स्पीड से और नीचे से नए यूथफुल सेल्स ऊपर तक आते रहते हैं अब ये टर्न ओवर साइकिल हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है हो सकता है आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली डेड लेयर्स को शेड ना कर पा रही हो सो so, एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट और एक रिपेयरिंग एजेंट अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो so ये चीज स्किन रेजुविनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अब बात करें हम एक्सफोलिएशन की तो आजकल बी एच एज एच एज का नाम सबने सुना है ये काफ़ी अच्छे एजेंट्स हो सकते हैं आपकी स्किन में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखें बी एच एज बीटाहाइड्रॉक्सी एसिड जो होते हैं वो लाइपोफिलिक होते हैं तो वो ऑयली स्किन के लिए प्रेफर्ड होते हैं वेयर एज एच एज जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं तो वो ड्राई स्किन के लिए प्रेफर्ड होते हैं स्किन केयर में एसिड्स का काफ़ी रोल है अगर हम बात करें बेसिक बेसिक एसिड्स की सो आई विल टेल यू वन एसिड एंड इट्स स्पेसिफिक रोल सैलिसिक एसिड इज मेनली फॉर पोअर क्लियरिंग सो जिनको भी ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं एक्नीप्रोन स्किन है डेफिनेटली यूज दैट बात करते हैं एक बहुत ही माइल्ड एसिड होता है जो कि दही में भी पाया जाता है इसका बेसिक रोल जेंटल एक्सफोलिएशन होता है बट एट द सेम टाइम दिस कैन रीबिल्ड यूर स्किन बैरियर एंड माइक्रोबायोम एज वेल सो इट इज अमेजिंग फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स अब हम बात करें एजिलिक एसिड की सो दिस इज इन ए एच ए दिस इज अमेजिंग फॉर पीपल हु हैव पोस्ट एक्ने पी आई एच पोस्ट एक्ने मार्क्स तो उन लोगों में चाहे आपके रेड स्पॉट्स हों चाहे आपके ब्लैक स्पॉट्स हों एक्ने के बाद जो छूट गए हैं एजलिक एसिड इज द मॉलिक्यूल फॉर यू हाइलोरोनिक एसिड सेफेस्ट ऑफ ऑल अमेजिंग फॉर एवरीबडी पेज वेल विद एनी अदर एसिड इट्स अमेजिंग फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन और एनी बडी विशेज टू हैव प्लम्पर्स स्किन बट हाइलोरोनिक एसिड की एक बात है ये पानी को अट्रैक्ट करता है तो अगर मान लेते हैं कि हमने हाइलोरॉनिक एसिड लगाया उसने पानी अट्रैक्ट लिया बाहर का एनवायरनमेंट अगर ड्राई है तो हाइलोरानिक एसिड की वजह से पानी आपकी स्किन खींच तो लेगी लेकिन वो बाहर एवेपोरेट हो जाएगा सो इट कैन मेक योर स्किन इवन ड्रायर इन दैट केस सिनारियो हाइलोरॉनिक एसिड के बाद हमेशा एक लेयर ऑफ थिक मॉइस्चराइजर आपको लगाना चाहिए बट अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है जैसे आजकल दिल्ली में जैसा मौसम है जुलाई अगस्त में यू कैन देन लेयर इट विद केयर को इतना जल्दी समझाना पॉसिबल नहीं है बट मैंने ट्राई किया आपको बताने का क्या क्या लाइफ में चेंजेस आप कर सकते हैं हेल्दी स्किन के लिए पीसी से रिलेटेड क्या दिक्कतें रहती हैं डाइट में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप एक्ने से परेशान है पिगमेंटेशन से परेशान है या फिर आप एंटी एजिंग चाहते हैं और फाइनली मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया क्या एसिड क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आई रियली होप कि आपको ये टॉक अच्छी लगी होगी और अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में अपनाएंगे आई एम वेरी श्योर कि आप एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं लास्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जोश टॉक्स आशा टू ब्रिंग मी मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगी स्टिल अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में रह गए हैं ड्रॉप जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश स्टॉक्स से टॉक्स जोस फॉर वेमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग मेंटोरशिप हमारी जैसी औरतों और का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ या फिर नए स्किल सीखना चाहती हूँ जो स्टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है